हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और गाइस, सुबह ही सुबह हो रही है मेरी शुरुआत कपड़े धोने से। और मौसम देखो कैसा हो रखा है, ये देखो, ये धूप ही नहीं निकल रही है। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और आज सब लोग के घर में कपड़े धुल रहे हैं, ये देखो इधर भी कपड़े धुल रहे हैं, मेरे भी कपड़े धुल रहे हैं, ये देखो इधर मैंने भी मशीन लगा रखी है। तो अभी इतनी ठंड में कपड़े धोना तो पूछो ही मत। हाँ गाइस, मेरी ना मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैंने मशीन ठीक करवाने को बुलाया था, तो वो ठीक करके तो चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों मशीन में से पानी निकल रहा है। ये देखो मैंने लाइट भी चली गई, ये देखो गीला गीला हो रखा है, पानी निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी दोबारा मशीन ठीक करने वाले को फ़ोन किया है कि एक बार चेक कर लो क्यों निकल रहा है इसमें से पानी। और हाँ गाइस, मैं ऐसे ही बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला जो कंबल है ना, ये मैं नया लेकर आई थी, तो मैंने इसमें ये कवर चढ़ाया तो ये पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना इसको सिल दूँ ताकि ये इधर उधर ना हो। तो मैं लेके आई हूँ अभी सुई और धागा, मैंने इसमें डाल दिया है। तो अभी मैं इसको फटाफट से सिलती हूँ। ये देखो पूरा पूरा कंबल चारों कोने में इसके सिल दूंगी। और गाइस, अभी मैं लेके जा रही हूँ तेजाब की बोतल, ये रही। कल तक भैया बोल रहे थे कि अगर पानी निकलेगा मशीन का तो बता देना, तो मैं आ जाऊँगा। और आज बोल रहे हैं कि मशीन की सर्विस होगी, तो मैं सर्विस के लिए ये लेकर आई हूँ। मैं आ चुका हूँ घर, और एक बार मेरी हालत देख रहे हो तुम, ये क्या हो गया मेरा हाल, बाल बाल देख रहे हो मेरे को? गाइस, मेरे बाल बाल मैं सोच रहा हूँ कटवा लेता हूँ अभी जाके। मैं ना टाइम नहीं निकल पा रहा था, और सच बताऊं तो मेरे को बड़े बाल रखने थे, और ये बीच का जो सफर होता है तुम्हें पता है बड़ा मुश्किल है, ये कैसा सा दिख रहा हूँ मैं। तो यार मैं सोच रहा हूँ कटवा लूं, तुम कमेंट करके बताओ, मैं कटवाऊंगा नहीं तब तक, अभी मैं रुक जाऊंगा संडे तक, कोई बात नहीं, तुम बताओ मैं कटवाऊं या ना कटवाऊं। ये थोड़े से सेट नहीं हो रखे, बाकी अगर इन पे ड्रायर वायर लग गया ना, अलग ही लुक चमक के आएगा सामने। तो एक बार तुम कमेंट में बताओ यार कि करूं बाल कटिंग या नहीं। गाइस, हम गए थे मार्केट, और मार्केट से हम क्या क्या सामान लाए हैं जरा देख लो, नजर मार लो। ये है गाजरें, मिर्च। अच्छा, मिर्च के लाए, मिर्च तो बहुत पड़ी है। फ्री थी मिली है, चलो वापिस कराते हैं, फ्री की है, वापस कराइए चले। और हाँ पुत्र, हाँ हाँ यार, ये ले, डाल ले, डाल ले क्या, अब जाके दिखाए, सुबह से कहाँ रहता है, इसका कोई होश नहीं। चलो सामान पहले उधर, एक मिनट, फिलिप्स का ड्रायर जो कि बाल सुखाने के हमारे काम आएगा ना, इससे हम बाल सुखाएंगे। अभी आप बाल धोगे ना तो फिर इससे सुखा लेना। गाइस अभी देखना मेरे बाल, तुम हेयर स्टाइल देखना मेरा अभी। तो ये ड्रायर गारंटी वाला है, फिलिप्स का, 2 साल की है, कार्ड दे रखा है, सारी चीजा गारंटी है चाहिए। मेरे बाल मतलब पार्लर पुलर में जाके नहीं करवाने पड़ेंगे ना बाल सीधे, तो बस चौमिन खा के आइए। की सोच रहे हो, चौमिन खाएं? एक और चीज थी, क्या चीज थी ये, मेरी जवानी का राज तूने दिखाया नहीं। गाइस यार दिखाना नहीं है, लोग बोलेंगे कि बुड्ढे। गाइस ये मेरी जवानी का राज, ओ देखो इसके बिना मैं अधूरा हूँ और बहुत ही बूढ़ा हूँ। ये मैं लगा लेता हूँ, कटवा तो मैं रहा नहीं बाल, कमेंट तुमने करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि करना क्या है, तुम बता देना ठीक है। अभी मैं सिर धो के ये लगाता हूँ, कैसा लग रहा हूँ? हेलो, ऐसे बाल रख लूँ? चिच्छी बाल रख लो मम्मी, रावण के ऐसे बाल लग रहे हैं क्या? रावण के ऐसे बाल हैं? रावण इतने घने बाल मांगते हैं लड़के, पता क्या कहते हैं जिम में, भैया यार आपके बाल और आपकी दाढ़ी
एक मिनट फोन लेना है, दो मिनट के लिए ऐसे करके दिखाना पूरे अच्छे से। हाँ देख लो, देखो गाइस इतने घने बाल, इनके घने बालों का राज तो बताओ। मेरे घने बाल नेचुरल है, मेरे बाप के भी घने थे, मेरे भी घने और मेरे लड़के के भी घने आगे देख। घने बाल वाला, ओ घने गंजी, मैं गंजी नहीं हूँ, मेरे बाल है सर। मैं करता हूँ कलर, हम घर पे ही अपना सारा सेटअप रखते हैं, कलर करने के बाद जो लगेंगे मेरे बाल वो भी देख। गाइस आप लोग ये डायपर देख रहे हो, डायपर ये आप लोग सोच रहे हो कि ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, ये जो डायपर है ना ये क्रिशु ने फाड़ दिया है। अब बोलो कैसे फाड़ा है, अपने सर पे लगा के, कैसे फाड़ा है अपने सर में लगा के, टोपी बना के घूम रहा था इसकी। और अब देखो इसके हाथ, ये ले चलो टोपी बना दो इसकी, ये देखो। मम्मी अभी यहाँ देखो हीटर सेक रही है, इतनी ठंड हो रही है। ठंड हो रही है क्या करें, और मुझे सेकने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी तुम बनियान में हो। आई एम हॉट, रूपा फ्रंट लाइन सबसे आगे। ये मेरा अपडेट वर्जन देख रहे हो ना, क्या कर रहे हो ऊपर, ये मुझे छेड़ने आएगा जान जान के। डायपर सिर पे पाप आके घूमता है ये, मिस्टर होल है ये, सिर पे पाके कच्चे भी घूमेगा ये। सुन रहे करता सी हमें, तू है नीचे करता है। जब मैं मम्मी जब मैं छोटा सी हो तो डायपर आंदे सी ना, तो डायपर आने ही नहीं शुरू हुए थे उस टाइम पे, आई नहीं सी हसी है पंदे लंगोट पर दी लंगोट पे लंगोट गिल्ले करता था मैं। इतने बड़े हो, मतलब कृषि जीतने के तभी लंगोटी पाया, नहीं फिर निकले पहनती थी। अच्छा। पहनती थी मैं कुड़िया का, मैं अपने तरफ हो गया, इसको पहनती थी, इसको पहनती थी। तो गाइस मैं आ गया हूँ सिर धो के, देखना आप जो लुक आ रहा है ये साइड लुक देखना। तू क्या चिढ़ रही है भाई, मेरे जैसे ऐसे हैवी ग्रोथ है तेरे बालों की। गाइस देखना एक बार, पूरा ड्रायर वायर लगा के मैं एकदम सेट होके बैठा हूँ, दाढ़ी देखो और बाल देखो। अब बताओ कटवाने चाहिए बाल, अभी मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा ना, मैं कहा ना यार शुक्र है मैंने नहीं कटवाए आज बाल। 22 तारीख को मैं लड्डू बांटने वाला हूँ जिम में, क्यों राम मंदिर की ओपनिंग है, मेरी तरफ से भी लड्डू होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समझ रहे हो, मतलब मुंह में लड्डू जिसको भी खाने हो गाइस आ जाना घर पे, कोई चक्कर ही नहीं है। लो जी मेल मिलाप हो गया है और अब हो गया है सीरियल खत्म। केड़ा मम्मी नाटक है क्या, परिणीति चोपड़ा है कि क्या है, परिणीति चोपड़ा जैसे हो। तो गाइस सीरियल खत्म, अब हम अपने अपने कमरों में जाकर हैं, अपने अपने कमरों में जाकर सोते हैं। रोटी खानी है दस्त है, रोटी नहीं खानी को छोर अलग जी चीज होए तो दस्त अंदर रोटी खानिया ते सब्जी आलू मटर दी नाल मिर्च तली खा ले आओ जरा एक दो रोटियां फिर देखिए। गाइस देखते हैं खा के, अब इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो मैंने सोचा तो था नहीं वैसे खाऊंगा, देख ही लेते हैं खा के क्या स्वाद है, वैसे मेरे को भूख नहीं है। बाकी गाइस मैं खाता हूँ अब रोटी, हम मिलते हैं अगले व्लॉग में, जल्दी जल्दी आएंगे व्लॉग, अब थोड़ा सा ना बीच में काम पड़ जाते हैं मेरे को, इस चक्कर में ना व्लॉग बनाना मुश्किल हो जाता है, ये तो किसी काम की है नहीं, ये तो करती नहीं है व्लॉग, ये वो इंटरेस्ट से कुछ तो मुझे ही देखना पड़ता है ये सारा काम धंधा, समझा करो यार, बहुत मेहनती आदमी हूँ यार मैं, क्यों धीरे बोलूं, तेज तेज बोलूंगा मैं, सुला लेना तू सुला। गाइस मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, काम पे जाता हूँ, ये घर चलाता हूँ मैं सारा, ये तो घर बैठ के टीवी देखना ये सब कुछ, ये जो इसके रजाई के साइड के ना जो ये मैंने सिल दिया ताकि ऊपर नीचे ना हो। ओहो वाओ बहुत अच्छा काम किया आपने। तो गाइस बाय बाय, चलते हैं हम, मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।